जय हिंद, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 को क्लासरूम्स में इम्प्लीमेंट करने का समय अब पास आता जा रहा है और सभी एजुकेटर्स, पेरेंट्स, बच्चे सभी ये देख रहे हैं कि क्या कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या नई चीज़ आएगी। एंड आई एम श्योर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को पढ़ने के बाद ये सबको समझ में आ गया है कि वो बहुत क्लियरली प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस और जोर है। मैं अपने पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च, नए टॉपिक्स के लिए डिज़ाइन थिंकिंग को एक्सप्लोर कर रही थी और डिज़ाइन थिंकिंग को मुझे पढ़कर लगा, वाओ, कैन वी ब्रिंग इट टू आवर क्लासरूम्स? इट इज़ अ सुपर एब्सोल्युटली न्यू आइडिया और अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम एक बेहतरीन ढंग से नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को अपने क्लासरूम्स और स्कूल्स के अंदर ला पाएंगे। मैं इसको जानने के लिए, आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर सबके साथ इसको शेयर करें। आखिर हम फ्यूचर लीडर्स, फ्यूचर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो क्या है डिज़ाइन थिंकिंग? देखिए, डिज़ाइन थिंकिंग क्या है? स्टूडेंट्स क्रिएटिव अप्रोच या क्रिएटिव ऑब्जर्वेशंस, क्रिएटिव आइडियाज़, उसके ऊपर पूरा का पूरा डिज़ाइन थिंकिंग अब है। स्टूडेंट या टीचर या जो भी कोई इसमें इन्वॉल्व है, कौन सा एज ग्रुप इन्वॉल्व हो सकता है इसके अंदर? अक्रॉस, इवन आप और मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें कोई एज स्पेसिफिक बाउंडेशन नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम्स को हम इसके अंदर लेकर आ सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। इसकी वैल्यू को समझना है एंड ऑफकोर्स फिर क्लासरूम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिज़ाइन थिंकिंग के लगभग 6 स्टेप्स होते हैं, राइट? अंडरस्टैंड, फिर ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? ऐसा करके मैंने अभी 3 स्टेप्स बताए, 3 में अभी आगे आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ, अभी 2021 में कुछ महीनों पहले सुएस कनाल के अंदर एक बहुत बड़ा शिप अटक गया। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो खैर अभी उसके बाद करेंगे। वो एक जापानीज बहुत बड़ा टैंकर था, नाम उसके ऊपर एवरग्रीन लिखा हुआ था पर उसका नाम है एवर गिवन। क्या रीज़न थे, व्हाई डिड इट गॉट स्टक अप, क्या हुआ उसकी वजह से? तो देखिए, डिज़ाइन थिंकिंग के अनुसार पहले स्टेप पर आते हैं, अंडरस्टैंड। हम जिस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को ये देंगे, दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कितने सारे चीज़ें वो समझ सकते हैं। वो इसके अंदर ये समझ सकते हैं, व्हाट इज़ मैराइन लाइफ, व्हाट इज़ ओशन, सुएज कनाल क्या है, कहाँ पर है, क्या वही कैनाल है या और भी कोई कनाल्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, शिप कैसे अटक गया, हाउ डिड इट। इसकी वजह से जो इकोनॉमिक लॉस हुआ, तो हम इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं कि ग्लोबली कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। अगर शिप अटक गया तो बाकी क्या कोई शिप आ जा नहीं रहे थे और ऐसा कैसे हो गया, राइट? तो कितने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि कितने सारे अलग अलग टीचर्स, अलग अलग तरह के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटी है इसको समझने के लिए। आप कहाँ तक उसको लिबर्टी देना चाहते हैं वो आपके साथ है। मैं आगे डिटेल्ड वीडियोज़ बनाऊंगी तब आपको और ज़्यादा इसके अंदर मज़ा आएगा और डेप्थ इसके अंदर नॉलेज आएगी। एक बार प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो गई और हमने ये निकाल लिया कि हम इस चीज़ के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम करेंगे, नाउ द ऑब्जर्वेशन विल बिगिन। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या इससे पहले कभी कोई शिप अटका था तो उसको कैसे निकाला गया था, उसके क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स थे। बहुत सारे लोगों ने कहा, ऐसा इंटरनेट के ऊपर बातचीत हो रही थी कि इसको पीछे करके निकालने, तो मेरे मन में आए कोई टोयोटा की कार थोड़ी है या कोई और कार कि जिसको पीछे रिवर्स में लिया और फिर आगे ले लिया। सबसे पहले उसको फ्लोट होना था शिप को, जब वो फ्लोट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्टेट हो जाता है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज मैसिव शिप। ये बिल्कुल जाकर जिसको बोलते हैं ना सॉइल में वेज स्टक अप हो गया था। डिगिंग कर सकते थे पर कितनी डिगिंग, क्योंकि इतना बड़ा शिप अगर अंदर घुस गया है और उसके क्या कारण थे जिसकी वजह से ये शिप के साथ ऐसा हुआ। तो नाउ यहां पर क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं, किन किन चीजों की, लोगों की ऑब्जर्वेशन करते हैं, सिचुएशन की ऑब्जर्वेशन करते हैं, बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या हुआ आइडियाज की ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाता है और स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। नाउ दे क्रिएट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू में खूब खुलकर मिरियड ऑफ आइडियाज, खूब डिस्कशंस वहां पर होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है यहां पर। एंड व्हाट हैपेंस इज कि आइडिया एक, उसके बाद चौथा स्टेप है आइडिएट करना। इसको आइडिएट का मतलब कुछ सही आइडियाज बनेंगे, कुछ कम सही आइडियाज बनेंगे, पॉसिबल इम्पॉसिबल, राइट? तो यहां पर क्या, या इम्पॉसिबल से पॉसिबल कैसे लाया जा सकता है। तो ये कंटिन्यूअस एक स्टेप चल रहा है और हर स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे आइडिया को सुना जा रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा करके। ऐसे ही कुछ आइडिया से इस शिप का भी सॉल्यूशन निकला और वो सीधा हुआ और फिर निकल गया और बीच के दिनों में क्या हुआ ये सारा प्रोसेस समझने के लिए क्या है। पांचवा स्टेप है एक प्रोटोटाइप बनना, कि जिस भी आइडिया पर शॉर्टलिस्ट होते हैं या एक या दो आइडियाज का, उसका एक प्रोटोटाइप बनाया, उसको सैंपल करने की कोशिश करी और फिर उसको टेस्टिंग करी। तो ये 6 स्टेप्स मैं रिपीट कर देती हूँ, अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व, पॉइंट ऑफ व्यू,
आइडिया या आइडिएशन करना उसका, फिर प्रोटोटाइप क्रिएट करना और फिर उसकी टेस्टिंग करना. तो डिज़ाइन थिंकिंग किसी भी प्रॉब्लम के साथ इन 6 स्टेप्स पर अटका हुआ है, इस 6 स्टेप्स पर बना हुआ है, राइट. सो ऐसा ही करके बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इन प्रॉब्लम्स को लेकर आ सकते हैं. देखिए, मेरे आज इस वीडियो के अंदर डिज़ाइन थिंकिंग जैसी एक नई चीज़ को आप सब तक पहुँचाना था, ताकि आप सब लोग कॉमेंट बॉक्स में डालें कि आप मुझसे इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं, कौन कौन से किस किस तरह के मैं एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूं, किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप या क्लास के लिए मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं लगातार इसको एक्सप्लोर कर रही हूं और मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस इसके ऊपर आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी. देखिए, मैं हमेशा बोलती हूं कि एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर, और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन तो ये अपने आप को अपने अंदर छुपी हुई स्किल्स को कहने का पूरा मौका दे रही है. आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको सबके साथ शेयर करें और अपने कॉमेंट्स कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालें. इसी के साथ आज के लिए जय हिंद.